नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। चीन ने गलवान घाटी में जो हरकत की है उसको लेकर देश में बहुत गुस्सा है। हमारी सेना तो चीनी को मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन अब देशवासियों ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली। भारत के लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश के लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। मुख्यमंत्री रीवा में शहीद दीपक सिंह गहरवार के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। देशवासियों से अपील करता हूं कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। गौरतलब है कि गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चीनी सामान का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग चीनी सामान के विरोध में #boycottchineseproducts का इस्तेमाल कर रहे हैं।